हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका सरला बिरला यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया दिया गया है। तो कहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसमें google.com ओपन करना है। इसमें टाइप करना है सरला बिरला यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसपे आपको सरला बिरला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IAS पेपर .net सरला बिरला यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज। तो आपको इसी लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सरला बिरला यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 20 फरवरी 2022 फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। तो आपका यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए आपका ये यूनिवर्सिटी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई यहाँ पे आपको आप इस फॉर्म को फिल कर लेना है। क्यों फिल करना है, कैसे फिल करना है, आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंडस्ट्री, कोर्स, हाइजिस, क्वालिफिकेशन, किट फी, कौन सी पे क्लिक करना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू सरला बिरला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरला बिरला यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 20 फरवरी 2022 फॉर यू जी एंड पी जी कोर्सेज, क्लिक हियर टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना। तो अब आपको यहाँ पर आ चुका है ये आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर किस कोर्स के लिए आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं, वो बी टेक है, यहाँ पर बी बी ए है, जो भी आप जिस भी कोर्स के लिए मैं इंटरेस्टेड हैं आप वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर आपको अपने से एक पासवर्ड फिल करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड करके आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, तो गो टू डैशबोर्ड। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अब आपके यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, तो यहाँ पर आपको सेव और नेस पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ब्रांच पहले फिल करके आपको सेव और नेस पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको एप्लीकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, एकेडमिक डिटेल्स देना है, डॉक्यूमेंट्स देना है, रिव्यू, फिर आपको पेमेंट कर लेना है। अब आपका यहाँ पर बेसिक डिटेल्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स देने हैं, जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, कैटेगरी कौन सी है वो आपको, नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है, इंडियन, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर आपको रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ पे आपको फादर डिटेल्स, फादर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी क्या है, वो किस सेक्टर में काम करते, गवर्नमेंट है सेक्टर में या फिर सोशल सर्विस है, फार्मर है, जो भी है आपको वहाँ पे बता सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको मदर नेम, मदर का मोबाइल नंबर, यहाँ पे एनुअल इनकम आपका उनका कितना है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। हॉस्टल ट्रांसपोर्ट, तो आपको अगर हॉस्टल रिक्वायर्ड चाहिए तो आपको यस कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो करना है आपको यहाँ पर। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड आपको फिल कर लेना है, पिकअप पॉइंट, और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपका आ जाएगा यहाँ पे आपको फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब आपका यहाँ न्यू टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस देना है, प्रेजेंट कंट्री आप कहाँ पे रहते हैं वो आपको यहाँ पे कंट्री का नाम, स्टेट कौन सा है वो आपको फिल कर लेना है, और उसके बाद आपका स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है, सिटी कौन सी है, एड्रेस आपका प्रेजेंट जी आई पी आपको यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस आपके पास एक है या दो है, तो अगर आपके पास है एक ऑलरेडी एक है तो आपको नो करना है यहाँ पे, अगर आपके पास नहीं है तो यस करना है, वो आपका ऊपर वाला ही वहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर गार्डन से इन्फॉर्मेशन, गार्डन का नाम, उनका फ़ोन नंबर, फिर सेवन नेट पर क्लिक कर लेना है आपको। अब आपको यहाँ पर क्लास 10 के डिटेल्स देने हैं, बोर्ड का नाम क्या था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको स्कूल का नाम क्या था वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, पासिंग ईयर आपकी क्या थी वो आपको यहाँ पे बता देना है, और यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड, आप रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, सीजीपीए में था या फिर परसेंटेज में था वो आपको बता देना है। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का ही बताना है, बोर्ड का नाम क्या था वो, स्कूल का नाम क्या था वो आपको फिल कर लेना है, आपने किस ईयर में
पास किया था वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ पे आपको परसेंटेज या CGPA में जो भी मार्क्स मिले थे आपको यहाँ पे फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है यहाँ पे जाके। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करनी है 10th की एंड 12th की। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब आपका एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, सब कुछ जो आपने फिल किया था वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप अपना सब कुछ चेक कर सकते हैं, अगर आपने कुछ गलती की है तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो आपको आई एग्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नाम, डेट क्या है वो आपको फिल कर लेना है, यहाँ पे प्लेस कौन सा है वो आपको यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपका आ चुका है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको क्या करना है, पेमेंट कर लेना है, सबमिट पे क्लिक करके आपको अपना पेमेंट कर लेना है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।